हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक चीज के लिए दोस्तों पहले आपसे माफी वगैरह मांग लूं, क्योंकि आज वॉइस की क्वालिटी वगैरह जो सुन रहे होंगे थोड़ी वॉइस की क्वालिटी खराब वगैरह हो गई है, क्योंकि पिछले जिस फोन से दोस्तों मैं पिछले एक महीने से रिकॉर्डिंग वगैरह कर रहा था, जिसका भी वॉइस की क्वालिटी काफी इम्प्रूव वगैरह हो गया था, उसी काम में आज फुल डिटेल वगैरह रिव्यू वगैरह करने वाला हूं, परफॉर्मेंस वगैरह बात करूंगा और जो प्राइजिंग में आता है काफी ज्यादा चीजें लेके आता तो उसके बारे में बात करूंगा। तो ए दोस्तों मेरे पास ए 22 जिसको इसके लिए आज से ठीक एक महीने पहले मैंने परचेज वगैरह किया था, और ए दोस्तों मेरे पास रखा हुआ जिससे मैं रिकॉर्डिंग वगैरह कर रहा था, जो इसके देख पा रहे हैं काफी ज्यादा चीज सही है। इसके दोस्तों सबसे पहले दोस्तों प्राइजिंग की बात करूँ तो मैंने इसके प्राइजिंग में परचेज किया था, वैसे तो एक्चुअल प्राइज मेरे पास जो वेरियंट है 8GB 128 का वेरियंट है, तो ये दोस्तों के लिए 35,000-36,000 के आसपास मिल जाता, तो मैंने नो कॉस्ट EMI परचेज किया था, कैशबैक वगैरह मिल गया था 2000 का, तो मुझे दोस्तों एक्चुअल इसकी प्राइसिंग पड़ा 33,000। तो 33,000 में दोस्तों आगे बताऊंगा डिटेल में क्या क्या चीज ऐसी जो मिलती है, जो कोई और ब्रांड या कोई और फोन नया लॉन्च हो पुराना हुआ वो चीज आपको नहीं देगा, तो उसके बारे में बात करूंगा। तो सबसे पहले दोस्तों इसकी डिजाइन के बारे में, डिजाइन को आपको देख पा रहे काफी ज्यादा चीज सही है, इसलिए डिजाइन के मामले में आपको इसके एंड्रॉइड वाले कोई भी इसको बीट नहीं कर सकते। इसकी दोस्तों इसके लिए आपको बात करूँ फोटो प्रोटेक्शन की, सबसे पहले इसमें आपको विक्टस प्लस का प्रोटेक्शन वगैरह मिल जाता है, जो काफी सही है। कैमरे का जो लेंस है ना, सब पे विक्टस प्लस का प्रोटेक्शन देगा, ये तो काफी मजबूत होने वाला है। इसलिए प्रीमियम सीरीज होती है सैमसंग के, सारी मजबूत फोन होते हैं, काफी सॉलिड फोन वगैरह होता है, जिसमें सबसे पहले पोर्ट सन प्रोटेक्शन की बात करूँ तो नीचे सबसे पहले टाइप सी पोर्ट मिल जाता है, स्पीकर ग्रिल मिल जाता है, यहाँ पे आपको माइक वगैरह मिल जाएगा, यहाँ पे दोस्तों दो सिम कार्ड लगाने का ऑप्शन मिल जाएगा, जिसमें एक ई सिम का सपोर्ट वगैरह मिल जाता है, एक नॉर्मल सिम का सपोर्ट मिल जाता है। उसके बाद साइड में जाएंगे तो यहाँ पे आपको पावर ऑपरेटर मिल जाएगा, वैल्यूम ड्रॉपर वगैरह मिल जाएगा, और इधर की बात करो तो इधर एंटीना वगैरह मिल जाएगा, इधर कुछ नीट एंड क्लीन है। ऊपर बात करो दोस्तों सेकेंडरी नॉइस कैंसिलेशन माइक वगैरह मिल जाएगा, तो काफी ज्यादा पावरफुल और काफी ज्यादा आपको चीजें सही होने वाला है। यहाँ पे दोस्तों जैसे तो नीचे स्पीकर मिल जाता है, ऊपर जो ईयर पीस है जिससे कॉलिंग वगैरह लेते हैं, ये भी आपको डुअल स्पीकर का काम वगैरह करेगा, ऑडियो सुनते समय लाउडनेस वगैरह होने वाला है, डॉल्बी ऑडियो का क्वालिटी वगैरह मिल जाएगा, तो काफी ज्यादा जैसे तो मेरे को बताने की जरूरत नहीं, आप सबको पता है काफी अच्छी क्वालिटी वगैरह होती है, काफी लाउड भी है, मतलब मेरे पास जो मोटोरोला का उसमें भी डॉल्बी ऑडियो का है, उससे इसकी क्वालिटी काफी ज्यादा इम्प्रूव है, काफी ज्यादा चीजें सही है। अब फीचर्स की बात करूँ दोस्तों तो मैं ये नहीं कहूंगा दोस्तों यहाँ पे आपको फीचर्स में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन वगैरह कर पाऊंगा, मुझसे बहुत अच्छे एक्सप्लेन करने वाला बहुत है, लेकिन दोस्तों जो चीज मैंने इसमें फील किया यूज करने के बाद, जो चीज मैंने फीलिंग वगैरह की, और इसलिए मैंने यूट्यूब पे किसी का नहीं देखा, किसी ने चीज नहीं बताया, जो चीज मैं बताने वाला हूँ, तो इसमें दोस्तों आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले डिस्प्ले की बात करूँ तो 6.1 इंच की डिस्प्ले वगैरह मिल जाएगा, जो 2x इसलिए डायनेमिक एमोलेड डिस्प्ले वगैरह होती है मिल जाएगी, जो सैमसंग का ही ऑब्वियसली तो डिस्प्ले का मामला है, आपको कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा, 1500 की ब्राइटनेस मिल जाएगी, तो काफी ब्राइट है, मतलब काफी ज्यादा डिस्प्ले सही होने वाला है, जिसके डिस्प्ले के अंदर ही दोस्तों अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट मिल जाएगा, जो काफी फास्ट और काफी सिक्योर होने वाला है, भी काफी ज्यादा चीजें सही है। फेस अनलॉक का तो सपोर्ट वगैरह मिल जाएगा, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है, तो ये सारी चीजें मिल जाएगी, जो काफी ज्यादा कॉम्पैक्ट है, फॉर्म फैक्टर भी काफी ज्यादा छोटा है, काफी कॉम्पैक्ट फोन वगैरह बनाएगा, काफी ज्यादा चीजें सही। अब इसकी बैटरी की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 37 mAh की बैटरी वगैरह मिल जाती है, जिसमें आपको 25W की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट वगैरह मिल जाएगा। यहाँ पे दोस्तों एक चीज आपको बता दूँ, अगर आप नॉर्मल फोन वगैरह यूज करते तो 5000-6000 mAh की बैटरी वगैरह मिल जाती है, लेकिन इसमें 37 mAh की बैटरी में भी ना आपको काफी अच्छा परफॉर्मेंस वगैरह दे देगा, ये नहीं कहूँगा 5000 mAh वाले के हिसाब से देगा, थोड़ा बहुत बैटरी कम वगैरह मिलेगा, इसलिए मैं मोटो यूज कर रहा था G82, तो उससे थोड़ी सी मुझे बैटरी इशू चार्जिंग का ध्यान रखना पड़ता था, लेकिन ये नहीं है, मैं आदत हो गया, मैं ये कह सकते आदत हो गया कि उतना कम बैटरी नहीं है, तो थोड़ा बहुत शुरू में लगेगा कि आपको बैटरी वगैरह काफी ज्यादा कम है, लेकिन जैसे जैसे यूज करेंगे 8 से 10 दिन 15 दिन के अंदर आपको इसकी आदत वगैरह पड़ जाएगी, तो आपको बिल्कुल भी फील नहीं होने वाला। और यहाँ पे आपको 15W की वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाएगा, तो रिवर्स चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाएगा, वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाएगा, 20W फास्ट चार्जिंग का टाइप सी सपोर्ट वगैरह मिल जाएगा। अब इसका दोस्तों इसके लिए मेन USP है, उसके बारे में बात करो जो है बेसिकली कैमरा है। कैमरे की बात करो तो यहाँ पे आपको ट्रिपल रियर कैमरा का सेटअप मिल जाएगा, जो इसके लिए एक कैमरा मेन कैमरा 15 MP का है और एक 12 MP का एक 10 MP का कैमरा, इसलिए आगे का जो कैमरा है ये 10 MP है। तो कैमरा के मामले में दोस्तों एक चीज बता दूं, एप्पल को छोड़ के इस प्राइस रेंज में इस कैमरे को कोई भी बीट नहीं करने वाला, फोटो काफी अच्छी आता है, फोटो के लेवल में फोटो के मामले में दोस्तों एप्पल कोई बीट करने वाला है, फोटो वगैरह आगे से भी पीछे से भी वहाँ पे आपको देख वगैरह पाएंगे। और इसमें तो 8K रिकॉर्डिंग का सपोर्ट वगैरह मिल जाएगा, 30 FPS होगा, 4K में 60 FPS तक जा सकते हैं, तो काफी ज्यादा चीजें सही है, और दोनों से आगे कैमरे से और रियर कैमरे दोनों से कर सकते हैं, तो फोटो वगैरह के ना लिंक वगैरह दे दूंगा
कर दूंगा, सब क्वालिटी वगैरह चेक कर पाएंगे। फोटो का मामला में नो डाउट, इसलिए इसको कोई भी एप्पल भी बीट वगैरह नहीं कर पाया। काफी ज्यादा चीजें सही है, वीडियो की भी क्वालिटी काफी ज्यादा चीजें सही है, वीडियो के मामले में काफी ज्यादा चीजें सही, अच्छी क्वालिटी वगैरह मिल जाएगा, स्टेबिलाईजेशन वगैरह मिल जाएगा, तो उसके मामले में भी आपको डिसअपॉइंटिंग होने की जरूरत नहीं। कैमरे के मामले में इस प्राइस रेंज में दूसरा कोई ऑप्शन आपको देखने के लिए नहीं। अब दोस्तों लास्ट इसकी बात करो दोस्तों परफॉर्मेंस, तो यहाँ पे आपको स्नैप ड्रैगन का 8 Gen 2 प्रोसेसर मिल जाएगा, ऑक्टा कोर 3 प्रोसेसर, इसलिए काफी ज्यादा पावरफुल है। अब तो 2 साल पुराना प्रोसेसर वगैरह हो गया, लेकिन जिस टाइम पे आया था काफी ज्यादा पावरफुल था। इसके 8 Gen 2 स्कोर की बात करो तो 10 लाख के आसपास मिल जाएगा, 11 लाख तक जाता तो काफी अच्छा ऐसा ही है। ये भी दोस्तों परफॉर्मेंस की बात करो तो इस प्राइस में रेंज में आपको कोई भी 10 लाख का इंट्रोड्यूस स्कोर वाला नहीं देने वाला। अगर कोई देता भी है दोस्तों तो एक चीज बताऊँ, अगर आपने प्रोसेसिंग वगैरह की बात करूँ और रिकॉर्डिंग वगैरह की बात करूँ, आप मतलब क्रिएटर है तो आपको इससे अच्छा ऑप्शन नहीं मिलने वाला। जैसे मैं बताऊँ रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, एक्चुअली मोटरोला का फोन से रिकॉर्डिंग करता था, ये मैंने माइक वगैरह के लिए ज्यादा रोड का पिछले 10,000 के आसपास का, लेकिन उतनी क्वालिटी में इम्प्रूव नहीं हुआ था। ये स्मार्टफोन खरीदने के बाद इतनी अच्छी क्वालिटी इम्प्रूव हुई है, 10 दिन 1-1.5 महीने पहले की वीडियो का लिंक दे दूंगा, अभी जो वीडियो रिकॉर्डिंग करता हूँ इसलिए उसका लिंक दे दूंगा, दोनों चेक करना, काफी ज्यादा नेक्स्ट लेवल इम्प्रूवमेंट बना हुआ है। तो ये चीजें दोस्तों इसलिए मुझे काफी ज्यादा चीजें सही लगी, तो मेरे हिसाब से काफी ज्यादा चीजें सही है, काफी नेक्स्ट लेवल परफॉर्मेंस देखने के लिए मिल जाएगा। अब दोस्तों जैसे बताऊँ इसलिए जैसे बताऊँ हीटिंग वगैरह की प्रॉब्लम एक रहती है, मुझे काफी ज्यादा फेस वगैरह करना पड़ा था, वो भी अगर यूज वगैरह करते रहेंगे ना तो आपको परफॉर्मेंस उतना फील नहीं होगा, लेकिन थोड़ी बहुत नॉर्मल फोन यूज करते हैं ना 15,000-20,000 के आसपास का, तो प्रीमियम वाले फोन परचेज करेंगे या तो एप्पल का परचेज किया या सैमसंग का, दोनों में आपको हीटिंग का प्रॉब्लम रहेगा। ये चीजें आपको देख कर यूज करना पड़ेगा, अपने हिसाब से दोस्तों यूज कर सकते हैं। मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा, अगर आपको 35,000 के आसपास बजट है तो सैमसंग का ए सीरीज का फोन आता ना उसको मत परचेज करना, इसको परचेज करना। प्रोसेसिंग लेवल बाकी की चीजें काफी नेक्स्ट लेवल है, काफी चीजें सही है, इसमें आपको 2-3 साल का अभी भी सॉफ्टवेयर अपडेट सिक्योरिटी अपडेट मिल जाएगा, तो 2-3 साल मस्त यूज कर सकते हैं, मेरे हिसाब से काफी चीजें सही है। और 5G की बात करो दोस्तों इसके लिए आपको 17 से 18 बैंड मिल जाएगा, तो जितने सारे बैंड 5G के होते हैं सारे मिल जाएगा। उसके लिए सैमसंग का जैसे बताऊँ प्रीमियम मोस्ट प्रीमियम सेगमेंट का फोन है, तो इसमें आपको कोई भी कमियां देखने के लिए नहीं मिलेगा, 1-2 कमियां जैसे बताऊँ बैटरी का थोड़ा सा रहता है और हीटिंग का काफी ज्यादा फील होती है शुरू में, जैसे अभी तो ठंड हो गया, गर्मी जैसे पीक में गर्मी रहता है ना उस टाइम पे ज्यादा फील होता है, तो ये सब चीजें देखना पड़ेगा। गेमिंग वगैरह कर पाएंगे, गेमिंग के बात करूँ तो हाईर मोस्ट सेटिंग तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाईर इसलिए आप गेमिंग वगैरह कर पाएंगे, तो गेमिंग में मैंने किया, गेमिंग का परफॉर्मेंस काफी ज्यादा चीज सही, गेमिंग वगैरह कर पाएंगे। मैंने दोस्तों परचेज इसीलिए किया था, रिकॉर्डिंग वगैरह करता हूँ तो क्रिएटर हूँ, तो क्रिएटर के लिए दोस्तों अगर आपका 35,000 का बजट है तो लिंक वगैरह दे दूंगा, फ्लिपकार्ट से परचेज कीजिए, अभी थोड़ा सा 1-1.5 हजार प्राइस बढ़ गया है, काफी ज्यादा चीजें सही है, परचेज वगैरह कर सकते हैं। मेरे हिसाब से दोस्तों जो जो चीजें मिलती है मैंने सब कुछ बता दिया, कोई भी आपको प्रॉब्लम वगैरह नहीं मिले, IPX8 का सपोर्ट वगैरह मिल जाएगा तो वाटर प्रूफ है, लेकिन मैं ये कहूंगा वाटर प्रूफ सर्टिफाइड है दोस्तों, वाटर प्रूफ वारंटी नहीं होती इन चीजों की, इसलिए पानी में चला गया तो ब्रांड क्लेम नहीं कर सकता वारंटी, मतलब ब्रांड को आप वारंटी क्लेम वगैरह नहीं कर पाएंगे, आप ही को ठीक वगैरह कराना पड़ेगा, तो अपने आप को जितना दूर रखिए इन सब चीजों से, पानी वगैरह से अपने आप को सेफ वगैरह रखिए। तो चले फिर दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस फोन के रिलेटिव जो भी डिटेल्स वगैरह थी आपको बता पाया हूँ, अगर कुछ राय गया हो तो कमेंट वगैरह कर देना, कमेंट में बता दूंगा, इसलिए मैं काफी ज्यादा इसके बारे में वीडियो वगैरह कर रहा हूँ 1.5 महीने से, तो सारी चीजें मुझे पता। तो चले फिर दोस्तों आज के लिए इतने, तो उम्मीद करता हूँ इस फोन के रिलेटिव जितनी मेरे पास डिटेल्स वगैरह थी सारे कुछ समझा पाया हूँ, अगर कुछ राय गया हो तो माफ वगैरह कर दूंगा, कमेंट में कमेंट करके पूछ सकते हैं, कमेंट में रिप्लाई वगैरह कर दूंगा, और डिटेल्स वगैरह समझा पाऊँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, आपकी प्रॉब्लम वगैरह सोल्व कर तो लाइक वगैरह कर देना, शेयर भी कर देना, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपके लिए मेहनत करता हूँ, प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर देना। और भी दोस्तों मैंने बहुत सारे फोन भी इसलिए अनबॉक्सिंग वगैरह किया है, उन सबका लिंक वगैरह दे दूंगा, उन सबकी प्राइसिंग वगैरह काफी ज्यादा डाउन हो चुकी क्योंकि इस टाइम पर मुझे नहीं पता काफी वैलिडिटी भी गया था, चेक वगैरह कर सकते हो। हाँ दोस्तों इसलिए मैंने क्रिएटिव स्टूडियो का एपिसोड वगैरह था ना, इसका दूसरा एपिसोड वाला वीडियो है आज का, पहला एपिसोड माइक का था, दूसरा कैमरे और ऑब्वियसली था, तो अगला जो आने वाला दोस्तों सेटअप का आने वाला, पूरा लाइटअप सेटअप वगैरह करने वाला है, तो उसका वेट कीजिए, उसमें थोड़ा सा टाइम है, इसलिए अगले हफ्ते के अगले हफ्ते आएगा। इस वीडियो के लिए आज के लिए इतने तक, थैंक यू, धन्यवाद।